हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लासेस से हमने अब स्टार्ट किया था अपना न्यू लेसन, मतलब लेसन नंबर 5। क्या है लेसन नंबर 5? अवर फूड। ओके, तो इस लेसन में हमने बहुत कुछ देखा था, जैसे कि फूड्स के ग्रुप्स कौन से हैं, उसके बाद एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं, एंड देन बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से हैं, उसके बाद प्रोटेक्टिव फूड कौन से हैं, एंड देन वाटर की अपने बॉडी में क्या वैल्यू होती है, उसके साथ साथ हमें कैसा डाइट लेना चाहिए, हमें बिल्कुल बैलेंस डाइट लेना चाहिए, एंड उसके बाद कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड, इतना हमने देखा था पिछले क्लासेस में। अभी नाउ मतलब आज की क्लास में हम देखते हैं वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस। तो क्या होता है वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस? देखो, वेजिटेरियंस यानी क्या कि जो लोग मीट फिश, मतलब जो लोग मांस मच्छी या फिर अंडे नहीं खाते, उनको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेरियंस बोलते हैं। वेजिटेरियंस यानी कि शाकाहारी। ओके, वेजिटेरियंस यानी कि क्या होता है? शाकाहारी, जो मांस मच्छी नहीं खाते। एंड उसका बिल्कुल उल्टा नॉन वेजिटेरियंस, यानी कि उसका बिल्कुल उल्टा, यानी कि जो मांस मच्छी या फिर एग्स खाते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस। ओके, इतना आपको समझ में आया, अभी आगे देखते हैं। ओके, सबने पेज नंबर 21 निकाला। ओके, तो देखो, पीपल हु डूड नॉट ईट मीट फिश एंड एग्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। मतलब वो पीपल जो नहीं खाते, व्हाट नहीं खाते, क्या नहीं खाते? मीट फिश एंड एग्स। जो लोग मांस मछली एंड एग्स नहीं खाते, उनको हम बोलते हैं वेजिटेरियंस। लिखा है यहाँ पे, देखा सबने? अभी देखो, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इज पीपल हु ईट मीट फिश एंड एग्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। वो कौन से पीपल? वो ऐसे पीपल जो मांस मछली एंड एग्स खाते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस, यानी कि मांसाहारी। ओके, शाकाहारी एंड मांसाहारी, यानी कि वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस, इतना आपको समझ में आया। अभी देखो, लास्ट में क्या है? नॉन वेजिटेरियंस ऑल्सो ईट राइस, ब्रेड, पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। देखो ना, जो वेजिटेरियंस होते हैं वो क्या खाते हैं? राइस, ब्रेड, यानी कि चावल, ब्रेड, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो नॉन वेजिटेरियंस है वो ये सब चीज़ें नहीं खाते। वो भी ये सब चीज़ें खाते हैं। कौन से? चावल, ब्रेड, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो भी ये सब चीज़ें खाते हैं। एंड उसके साथ साथ वो मीट फिश एंड एग्स भी खाते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस। तो आपको समझ में आया, वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस बिल्कुल इजी है। आज की क्लास में हमने बिल्कुल थोड़ा सा ही पोर्शन लिया, तो आप इसको अच्छे से पढ़ो और समझो। तो आपको समझ में आ गया कि वेजिटेरियंस क्या होते हैं एंड नॉन वेजिटेरियंस क्या होते हैं। देखो, वेजिटेरियंस जो होते हैं वो क्या खाते हैं? ओनली मतलब फ्रूट्स एंड सब्जियां। ओके, एंड जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो फ्रूट्स भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, एंड ये मीट फिश एंड एग्स भी खाते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन वेजिटेरियंस। इतना आपको समझ में आया? तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, बाकी का हम अपने अगले क्लास में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।